राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हार के कारणों की समीक्षा और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने का प्रस्ताव पारित करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे सहित संगठन से जुड़े पदाधिकारी, मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने। चलिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी की इस बैठक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो कि केंद्रीय कार्य समिति दिल्ली में 25 तारीख को इस समिति में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसका अनुमोदन करते हुए उसके समर्थन में राज्य के सभी वरिष्ठ नेतागणों, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और सभी कार्यकारिणी ने आज प्रस्ताव यहाँ पास किया है, जो मैं पढ़कर बतलाऊंगा। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को संबोधित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित हुआ है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की यह बैठक प्रदेश के समस्त कांग्रेसजनों की भावनाओं के अनुरूप सर्वसम्मति से केंद्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन करती है और आपके प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए आपसे अनुरोध करती है कि आप हमें अपना प्रभावी नेतृत्व प्रदान करते रहें। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी उन समस्त चुनौतियों, विफलताओं और कमियों को स्वीकार करती है जिनकी वजह से ऐसा जनादेश आया। हम सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हर स्तर पर पूर्ण आत्मचिंतन के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष को अधिकृत करते हैं कि वे पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन कर विस्तृत पुनर्रचना करें और इस बाबत योजना जल्द से जल्द लागू की जाए। कांग्रेस पार्टी के चुनाव हारा है, लेकिन हमारा अदम्य साहस, हमारी संघर्ष की भावना और हमारे सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता पहले से ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस पार्टी नफरत व विभाजन की ताकतों से लोहा लेने के लिए सदैव आपके नेतृत्व में कटिबद्ध है। इस प्रस्ताव को पूरी कार्य समिति ने सर्वसहमति से पास किया है, जिसकी सूचना माननीय कांग्रेस अध्यक्ष को और AICC को की जाएगी। प्रस्ताव मैंने प्रस्तावित किया, जिसे माननीय अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने सेकंड किया और आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इसका समर्थन किया और सभी ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष को इसकी सूचना हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के माध्यम से करेंगे और साथ ही साथ यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा, जैसा कि प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है। और कांग्रेस के सभी नेता और यहां पर जितने भी हमारे मंत्री, एक्स एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के उम्मीदवार, जिला कांग्रेस कमेटियाँ, सभी को ये निर्देश दिया गया है कि वे सब जनता के बीच में जाकर उनका सहयोग और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें, उनके सहयोग के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और आने वाली चुनौतियों का सामना और उनकी सेवा आज कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस पर विश्वास दिलाते हुए प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को आशीर्वाद प्रदेश में दिया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी हर मुसीबतों में, हर तकलीफों में और प्रदेश के विकास के लिए और गति से कार्यरत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।